आप लोगों को जो है एंकल जॉइंट इनका फ्रैक्चर हो गया है, तो इसमें ग्लाइड कैसे करते हैं मैं आज आपको बता रहा हूँ। ऐसे आप लोग जो है ग्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता था, जैसे स्टिफ हो गया था इनका पूरा पैर, ठीक, अंदर तरफ नहीं जा रहा था। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। अगर इसमें सूजन रहता तो आप लोग आइस पैक का यूज़ करेंगे। आइस पैक लगाया जाता है, पहले दो दो घंटे पर लगाया जाता था, लेकिन आइस पैक नहीं लगा रहे हैं इस समय, क्योंकि अब सही हो गया, ज़्यादा सूजन नहीं है, ठीक। कैसे करते हैं मोबिलाइजेशन मैं बता रहा हूँ आपको। पहले हम लोग एंकल टू मूवमेंट करेंगे, ऐसे ये रहा, 15 से 20 रिपीटेशन इसको ऐसे करेंगे, ठीक। फिर इसका जो है एंकल का रोटेशन करते हैं, यहाँ पर रहता है आप ग्रिप कर लेंगे यहाँ पर अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ से ग्रिप करके ये पंजे को पकड़ के ऐसे करेंगे, जैसे एल्बो ज्वाइंट कराते थे ऐसे, ठीक। इधर हो गया, फिर ये क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज दोनों साइड से करेंगे तो पूरा मूवमेंट होगा इनका, क्योंकि प्लास्टर लगने से जो है पूरा जाम हो जाता है, ठीक। दोनों साइड से हो गया, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग ग्लाइड देंगे इसका। ग्लाइड कैसे करते हैं, जैसे ये कर रहा है ये जॉइंट लाइन है किधर, ठीक है, इसको अच्छे तरीके से पकड़ लेते हैं, फिर यहाँ से जो है इसका ग्लाइडिंग करते हैं ऐसे, ठीक। फिर यहाँ पर एक प्रेशर दे के इसको हम लोग पोस्टर इंटीरियर ग्लाइड बोलते हैं, पोस्टरियो इंटीरियर ग्लाइड। यहाँ पर रहता है इसको ऐसे प्रेस करके ऐसे ले जाते हैं, इसको कम से कम 15-20 रिपीटेशन ऐसे करेंगे तभी जाके खुलेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे करके करेंगे। जितना ग्लाइड देंगे उतना जल्दी इनका जो जॉइंट खुलेगा, जो स्टिफनेस है चली जाएगी। ये हो गया हम लोगों का, ठीक। ये पहली ग्लाइड हो गई, फिर उसके बाद क्या करेंगे, पीछे पेट की साइड लोग को लेको, ये रतौलिया भी लगा लेते हैं यहाँ पर, जैसे लगाने से और अच्छा मिलता हम लोगों को गैप यहाँ पर होगा, ठीक है। फिर यहाँ पकड़ेंगे इसको, ठीक है। फिर इसको एंटीरियर पोस्टीरियर ग्लाइड बोलते हैं, यहाँ पर जैसे रहेगा ये रहा, इसे पूरा अच्छे तरीके से स्टेबलाइज कर लेंगे। फिर यहाँ से जो है ऐसे पूरा नीचे एक तरह, इसको एंटीरियर पोस्टीरियर ग्लाइड बोलेंगे। ये सब लोग नहीं करा पाते हैं। इसमें क्या रहता है, जैसे पकड़ने का जो पोजीशन रहता है, अगर सही से आप पकड़ेंगे तभी ग्लाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, तो इसके बाद यहाँ जो रहता है ये लेटरल ग्लाइड होता है, इधर से जो है यहाँ पे स्टेबलाइज करके यहाँ से ऐसे देते हैं ऐसे करके, ये भी ग्लाइड है एक तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रैक्शन दिया जाता है, ट्रैक्शन भी देते हैं हम लोग, यहाँ से पकड़ के अच्छे से ऐसे, यहाँ से ऐसे ग्रिप करके ऐसे अच्छे से यहाँ से ऐसे ट्रैक्शन करते हैं, खींचते हैं इसको अपने साइड में ऐसे खींचेंगे ऐसे, ठीक है। तौलिया इसलिए लगाया जाता है, ये रैप इसलिए किया जाता है कि अच्छे से ग्लाइड होगा, और पाउच से बाहर रहना चाहिए, बाहर रहेगा पैर तो अच्छे से ग्लाइड होगा, ठीक है। ये हो गया, फिर इसको ऐसे पैर मोड़ देते हैं, ठीक। फिर मोड़ने के बाद फिर यहाँ पर फिर ग्रिप करके यहाँ से फिर ऐसे करते हैं, ग्लाइड कर लेंगे। फिर उसके बाद जो हल्का से जो ट्विस्ट करेंगे ऐसे, ये हो गया हम लोगों का, ठीक है। फिर पेशेंट से जो रहता है यहाँ से हम नीचे करते हैं, या पेशेंट अपना सेल्फ ऐसे करके ले जाए, ये चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक, ऐसे करके अपना करेंगे, ठीक है। फिर सीधे हो जाओ, ये रहा, फिर इसको नीचे रख के यहाँ से, फिर यहाँ से भी हम लोग ग्लाइड देते हैं, ठीक है। इधर से भी ये रहेगा, फिर तरफ पकड़ के यहाँ से मीडियल ग्लाइड हो गया, पूरे अच्छे तरीके से यहाँ से होगा, ठीक। इसको प्लांटर पर फिर इसको अंदर तरफ करेंगे, सीधा करो ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक। अब इसको अंदर तरफ ऐसे करेंगे, मैं ऐसे करूँ, चलो ले चलो अंदर, हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
सकते हैं, ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, थेरा बैंड रहता है थेरा बैंड से भी कर सकते हैं, थेरा बैंड ये ऐसे थेरा बैंड रहेगा ना, इसको ऐसे लगा लेना ठीक, यहाँ से ऐसे रहेगा ठीक, ऐसे नीचे रहेगा फिर ऊपर करो ऐसे जैसे, हाँ एक दो ऐसे लिख जाओ एक, हाँ रोको थोड़ा दो रोको ऊपर ले जाओ तीन, हाँ फिर ढीला छोड़ो, हाँ फिर ले जाओ चार ठीक, ले जाओ पाँच ठीक, ये हो गया छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चलो ठीक, फिर ऐसे रहेगा इधर मैं करूँगा ना, तुमको करना क्या इधर ले जाना ऐसे ठीक है, चलो हाँ उधर ले जाके रोकना है, उधर ऐसे ले जाके ऐसे रोकना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, फिर नीचे फिर ले जाओ ले जाओ, हाँ ठीक, ये सब एक्सरसाइज जो रहता है एंकल जॉइंट के लिए पेशेंट को कराया जाता है, कोई भी रहेगा पूरा उधर ले जाओ ऐसे, इस तरह नहीं होगा ठीक है, ये सब कराते हैं ठीक, सीधा भी जाता पेशेंट तो यहाँ से पकड़ के अच्छे से, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करते हैं ट्रैक्शन देते हैं, आगे से भी देते हैं पीछे से भी दे सकते हैं ऐसे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन कर देंगे, एक दो तीन चार पाँच छः ठीक, ऐसा करते हैं वो करेंगे ठीक बनता है।